हंसाती है तो कभी रुलाती है। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो हर मोड़ पर खुश रहता है जिंदगी उसी के सामने सिर झुकाती है। तो गाइज आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से आज मेरी 6th पेमेंट यूट्यूब की तरफ से आ चुकी है, जो कि आप लोग मेरे हाथ में देख रहे हैं। मुझे भाई बहुत ज़्यादा खुशी होती है। देखिए हम लोग स्पॉन्सरशिप से चाहे कितना भी पैसा कमा लें, पर वो खुशी हमें नहीं मिलती है जो हमें यूट्यूब की पेमेंट आने पर मिलती है। तो आप लोग भी सोचते होंगे कि यूट्यूब पर देखिए पैसा कमाना कोई आसान काम नहीं है, आप लोगों को ही पता है। यहाँ पर दोस्तों हमें दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके कहीं हमें यूट्यूब की पेमेंट नसीब होती है। और आप लोग भी सोचते होंगे कि हमारी पेमेंट कब आएगी, तो गाइज मैं आपको बता दूं, मैंने भी जीरो से स्टार्ट किया था और मैं आज यहां तक पहुंची हूं, तो वो भी मैं भी अपनी मेहनत से पहुंची हूं। आप लोगों को भी बिल्कुल डीमोटिवेट नहीं होना है, आप लोगों को रेगुलर काम करते रहना है। तो फ्रेंड जो ये मेरे हाथ में आप लोग अभी पेमेंट देख रहे हो, भाई ये कितनी आई है, आप लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए कि आखिर ये मेरी पेमेंट कितनी आई है। तो सिंपली गाइज सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, देखिए मैं ये तो आपको बाद में बताऊंगी, सबसे पहले तो मैं आपको मिलाऊंगी अपनी फैमिली से कि आखिर मेरी पेमेंट आने पर मेरी फैमिली का रिएक्शन क्या है। फैमिली में जो जो लोग आने वाले हैं मेरी वीडियो के अंदर वो है देखिए मेरा भाई, मेरी सिस्टर, मेरी मम्मी और मेरी चाची की बेटी अंशिका, जो कि आप लोग खासकर ब्लॉग्स में देखते रहते होंगे। तो मैं सभी से रिएक्शन लेने वाली हूँ और मम्मी बहुत ज़्यादा खुश होती हैं जब भी हमारी यूट्यूब से पेमेंट आती, क्योंकि मम्मी को स्पॉन्सरशिप वाला पैसा पता नहीं चलता हमने कब स्पॉन्सरशिप कर ली। पर जब मेरी यूट्यूब से पेमेंट आती है, तो जब मैं वीडियो बनाती हूँ, तो मम्मी को हर महीने पता चल जाता है कि मैंने यूट्यूब से पैसा कमाया, मेरी यूट्यूब से पेमेंट आई है। तो मम्मी कहती है कि चलो घर में कोई तो है जिसकी हर महीने सैलरी आ रही है, क्योंकि मम्मी को भी केवल मुझसे ही देखो आसरा है और कोई ऐसा नहीं है जिससे मम्मी को ज़्यादा उम्मीदें हों। तो मैं आपको बता दूं, मैं ही अभी घर में कमा रही हूँ, तो अभी घर का खर्चा जो भी है मुझे ही करना पड़ता है, तो मुझे भी अच्छा लगता है। आप लोग बस मेरा पूरा सपोर्ट करें ताकि मैं अपनी फैमिली की पूरी कंडीशन को अच्छे से सुधार पाऊँ। और मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब मैं यूट्यूब से पैसा कमाती हूँ और यूट्यूब के पैसे से मैं घर में कुछ रुपये खर्च कर पाती हूँ। तो गाइज बस इसी तरीके से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और मैं आपको बता दूँ, ज़िंदगी में कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, हर चीज़ पॉसिबल है अगर आप लोग उसको ठान लें, उस चीज़ को अगर करने की आप लोगों में जिद हो। देखिए अभी आप लोग काफ़ी लोग कहते हैं YouTube पे बहुत कंपटीशन है, हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो ऐसा देखो कुछ भी नहीं। अगर आप लोग कड़ी मेहनत और सही दिशा में काम करोगे तो आप लोगों के हाथ में भी ये पेमेंट होगी जो अभी मेरे हाथ में आप लोग देख रहे हो। तो भाई देखो बहुत ज़्यादा मैं खुश हूँ और आप लोगों का हाथ जोड़कर दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। आप लोग अगर मुझे इतना प्यार और सपोर्ट नहीं करते तो शायद आज ये पेमेंट मेरे हाथ में नहीं होती। तो भाई देखो बहुत ज़्यादा आप लोगों का सपोर्ट मुझे मिलता है तो मुझे बहुत खुशी होती है। आप लोग बस अपना सपोर्ट कम कभी भी मत करना। अगर आप लोगों का सपोर्ट कम हो गया तो भाई देखो मेरी जो फैमिली की कंडीशन है वो पहले की तरह हो जाएगी। इसीलिए मैं आप लोगों से कहती हूँ कि मेरा बस पूरा सपोर्ट कीजिए, मेरे सपोर्ट जो आप सपोर्ट कर रहे हैं उसको कभी भी कम मत करना, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही मेरा घर चल रहा है, आपको पता होगा अच्छे से। मैं आप लोगों को हमेशा बताती रहती हूँ वीडियो के अंदर कि मैंने घर में क्या लाया, यूट्यूब की कमाई से मेरे घर में क्या आया। तो इस पेमेंट का हम क्या करेंगे वो मेरी मम्मी आपको बता देंगी क्या करने वाले हैं इस पेमेंट का, और कितनी पेमेंट आई वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। क्लियर पेमेंट बताऊँगी YT स्टूडियो पर चल के, और आपको मैं 100% रियल दिखाऊँगी, ठीक है। तो चलिए चलते हैं गाइज और फैमिली से मिलाते हैं। फाइनली गाइज अभी मेरी फैमिली मेरे साथ में आ चुकी है और शिखा बहुत कम दिख रही है, शिखा को थोड़ा सा इधर को बुलाते हैं क्योंकि शिखा नहीं दिख रही है। तो भाई देखो आप लोग मेरी मम्मी के हाथ में पैसे और मेरी पेमेंट कितनी आई है, और मतलब मैं ये सब कुछ आपको बाद में बताऊंगी, पहले फैमिली का इंट्रोडक्शन कराते हैं कि फैमिली को कैसा लग रहा है मेरी मतलब 6th पेमेंट आई है, ये मतलब 6th पेमेंट आई है मेरी और यहाँ पर मम्मी के हाथ में मैंने ये सारे पैसे दे दिए हैं। तो भाई आप लोगों से मतलब बहुत हाथ जोड़ के शुक्रिया, आप लोगों ने इतना ज़्यादा सपोर्ट किया और मेरी हर महीने यूट्यूब से पेमेंट आ चुकी है। तो देखिए ये लोग बहुत ज़्यादा हंस रहे हैं, पता नहीं इन लोगों को कौन सी चीज़ की खुशी है, इन लोगों को एक रुपये मिलने वाला नहीं तब भी बहुत खुश हो रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले पूछते हैं मम्मी से कि मम्मी को आखिर क्या कैसा लग रहा है हमारी हर महीने यूट्यूब से पेमेंट आ रही है। तो मम्मी सबसे पहले बताएंगी, हमारी लड़की की पेमेंट आ चुकी है, हमें बहुत खुशी है। अब दीपावली आने वाली है, हमारे घर में टूट फूट होगी, अब पुताई भी होगी और घर सब सही होगा। तो मम्मी ने आपको बता दिया कि हम इस पैसे का क्या करने वाले हैं, मैंने तो आपको बताया नहीं ये पैसा हम कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। मम्मी ने आपको बता दिया क्योंकि दीपावली आ रही है, दीपावली पर अच्छा लगता है घर में पोताई हो जाए, पेंट वगैरह करा के पूरा हम लोग इस पैसे से घर को अपने सही कराएंगे। और भाई देखिए ये है अंशिका, जो कि आप लोगों को मतलब दिन ब दिन मेरे ब्लॉग में देखने के लिए मिलती रहती है। तो सबसे पहले इससे पूछेंगे कि यूट्यूब से अगर हम लोग पैसा कमा रहे हैं इसको कैसा लग रहा है, आगे चल के क्या ये भी यूट्यूब पे काम करना चाहेंगी। हाँ दोस्तों, अगर आपके घर में माँ बहन हो तो आप भी लोग मतलब अपने अगर वो यूट्यूब पे काम करना चाहती हैं तो उन्हें रखिए, क्योंकि यूट्यूब से हमें बहुत फ़ायदे हैं, जैसे मतलब कि हमारा घर बहुत अच्छे से चलता है और मैं भी बड़े होकर यूट्यूब बनना चाहती हूँ, लेकिन
अभी नहीं, अभी तो मैं मौज ऐप पे वीडियो बनाती हूँ, बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। अभी हम लोगों ने यूट्यूब से पैसा कमाया, तुम्हें कैसा लग रहा है? बहुत खुशी हो रही है, मैंने ऐसा लग रहा कि मतलब कि मुझे पैसे मिले। अरे वाह भाई, देखो बिल्कुल ये रियल सिस्टर समझती है, ऐसे समझती है, हाँ बिल्कुल हम इसके रियल सिस्टर। वैसे ये चाची की बेटी है, कोई ना रिश्ता अलग है, बस बहन है हमारी। आप पूछते हैं भाई शिखा से कि आखिर शिखा को कैसा लग रहा है पेमेंट आने पे, क्योंकि शिखा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड लग रही है, तो शिखा से पूछते हैं। तो गाइस, जिसके घर में पैसा आता है वो किसे बुरा लगता है? शायद ही कोई होगा जिसे जलन की वजह से बुरा लगता है। फाइनली आज मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही कि इनकी 6th पेमेंट आ गई है और मम्मी के हाथ में आप लोग देख सकते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को मम्मी ने बताया था कि मतलब घर पे पुताई होने वाली है, दीपावली आने वाली है, तो सभी लोग अपना घर भाई सही करवाते हैं, तो अभी सबका होता और हमारा नहीं होता तो हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो गाइज, आप लोगों की मेहरबानी की वजह से 6th पेमेंट आ गई है और हम भी अब किसी से पीछे नहीं, सब पुताई करवाएंगे तो हम भी करवाएंगे। तो मम्मी को बहुत ज़्यादा खुशी इस चीज़ से, मम्मी से ही पूछते हैं कितनी ज़्यादा खुशी हो रही है। बहुत खुशी हो रही है। और चलिए गाइज, आप लोगों ने मेरी खुशी तो सुन ली, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि घर छोटा ही हो पर अच्छे से डेकोरेट हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये हमारा भाई, इसको कितनी खुशी है, इनसे भी चलो पूछते हैं कुछ। बहुत खुशी है क्योंकि 6th पेमेंट आ चुकी है। नहीं वो तो मैंने बताई दिया, 6th पेमेंट आ गई, कुछ अपना बताओ। आप क्या पटाखे उठाके फोड़ेंगे दिवाली पर? बढ़िया वाले। तो गाइज, आप लोग सोच सकते हैं, मतलब जैसे दिवाली आती थी तो हम लोगों पे, पिछली दिवाली तक हम लोगों पे इतने ज़्यादा पैसे नहीं थे कि हम लोग 500 रुपए के भी पटाखे ला सके। और अब की बार भाई मैंने सोच लिया आपके खूब सारे पटाखे लाऊंगी, मैं भी फोड़ूंगी और ये लोग भी आराम से इंजॉय करेंगे। ज़्यादा पटाखे नहीं फोड़ूंगी, इसको तो डर लगता है। हाँ, मैं बस दूर से देखूंगी और इंजॉय करूंगी बस। और देखिए, आदित्य को खुशी इसलिए होती होगी कि इसकी मतलब थोड़ी ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी। क्यों, क्या क्या ख्वाहिशें बताना जरा? मिठाई का डिब्बा, रसगुल्ले वाली, कपड़े उपड़े। अरे वाह भाई, देखो ये हर एक के पीछे अपना अपना मतलब छुपा होता है, ये सब मतलब से खुश होते हैं। मैं मतलब से खुश नहीं हूँ भाई, देखो क्योंकि मुझे पटाखे जलाने नहीं है, घर में पेंट होगा तो वो सभी के लिए होगा, तो अपना घर ही अच्छा दिखेगा, तो और मेरा कोई खास मतलब मकसद नहीं है खुश होने का। बस आज पेमेंट आ गई है तो मुझे दिल से खुशी हो रही है कि सिस्टर की पेमेंट है, तो अच्छा तो लगता है ना कि घर में किसी की पेमेंट तो आ रही है, जिससे स्थिति को थोड़ा सुधार मिल रहा है इसीलिए। तो भाई देखो, आप लोगों ने मेरी फैमिली का रिएक्शन देख लिया है। वीडियो को हम लोग ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए वीडियो में आप लोगों ने काफ़ी मज़ा भी किया होगा। वीडियो हमने एकदम बिल्कुल फनी तरीके से बनाई, आपको पूरा दिखाया कि कैमरे के सामने खड़े होने से पहले ये लोग किस तरीके से दांत निकाल रहे थे और जो मतलब पैसा वगैरह हम लोग लेके डांस कर रहे थे, तो वो रिएक्शन आप लोगों को शायद बहुत ज़्यादा फनी लगा होगा। बाकी पेमेंट हमारी हर महीने आएगी, तो हम आपको हर महीने बताएंगे कितनी पेमेंट आई है। बाकी अगर आपको मेरी फैमिली से मिलके अच्छा लगा हो, सबसे ज़्यादा अच्छी किसकी बातें लगी हो, वो आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। और इतना ज्यादा आप लोगों ने सपोर्ट किया कि मेरी हर मंथ यूट्यूब से पेमेंट आ रही है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मम्मी से पूछते हैं लास्ट टाइम, मम्मी क्या कहना चाहेंगी? बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग ऐसे ही सपोर्ट कर दीजिए हमारी लड़की का। और बस तो बस भाई, आप लोग ऐसे सपोर्ट करते रहो, अभी आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो बिल्कुल भी, सपोर्ट करो पूरा, ताकि हमारी फैमिली की कंडीशन और भी ज़्यादा सही से हो जाए और हम लोगों के घर में भी वो सारी खुशियाँ हो जो एक नॉर्मल फैमिली के पास होनी चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर लास्ट करते हैं। बाकी अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय। तो फ्रेंड्स, अब आप लोग फैमिली से तो मिल ही लिए होगे, और फैमिली का रिएक्शन आप लोगों को कैसा लगा वो आप लोग मुझे ज़रूर बताना। अब मैं आपको बताती हूँ कि आखिर मेरे हाथ में जो पैसे हैं वो कितने मुझे पैसे मिले हैं और आखिर मेरी YouTube से पेमेंट कितनी आई है। तो चलिए बिना वक्त गवाए हम आपको बता देते हैं। तो सिंपली गाइज, अभी आपको पता है हमारा $1 अभी चल रहा है 79 रुपीज़ का, और दोस्तों जो मेरी ये पेमेंट आई है वो आई है पूरे $200 की। अगर आप लोग गूगल पे जाके इसको कन्वर्ट करेंगे यूनाइटेड स्टेट के मतलब जो डॉलर्स हैं उनको अगर आप मतलब इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करोगे तो भाई ये पेमेंट है 15,000 रुपये। मतलब यूट्यूब से जो मुझे पेमेंट मिली है पूरे 15,000 रुपये की पेमेंट मिली है, और ये पूरा 15,000 रुपये अब की बार मेरे घर में लग जाएगा, मेरे पास एक भी रुपये नहीं बचेगा। चलिए, यूट्यूब से हम पेमेंट तो हर महीने लेते रहेंगे पर हमारे घर की कंडीशन को सुधरेगी तो इस चीज़ से मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी। तो मैंने आपको क्लियरली बता दिया, आपके अंदर शायद इस वीडियो से काफ़ी मोटिवेशन आया होगा, क्योंकि मैंने भी किसी दिन जीरो से स्टार्ट किया था, और जीरो से स्टार्ट करके जब मैं यहाँ तक आ सकती हूँ तो आप लोग क्यों नहीं। तो भाई आप लोग बस इसी तरीके से अपना काम करो, जो लोग काम कर रहे हैं यूट्यूब को छोड़ना मत, यूट्यूब पे बहुत पैसा है, बस आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।